नमस्कार, स्वागत है आपका बेटियों को समर्पित हमारी इस खास पेशकश में। मैं हूं आपके साथ मीना शर्मा। हमारे देश में आज भी बहुत बड़ी आबादी है जो बुनियादी शिक्षा से महरूम है। 25 साल पहले हालात और रास्ते और भी मुश्किल थे, लेकिन उस वक्त उत्तर प्रदेश की एक बेटी ने अपने दम पर गांव के गरीब बच्चों को पढ़ने का हौसला दिया और ढाई दशक की कोशिशों का नतीजा है कि आज उनकी पढ़ाई हुई बेटियां बड़े ओहदों पर पहुँच रही हैं। ए मालिक तेरे बंदे हम, ये अंधेरा घना छा रहा, तेरा इंसान घबरा रहा। दोनों में अंतर, आर्थिक विषमता। गांवों की शैक्षिक पृष्ठभूमि बदलने में जुटी इस बेटी का नाम रेहाना रहमान है। अभावों में जन्मी बेटियों के अंधेरे रास्तों को रोशन करने वाली एक ऐसी किरण जो उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले में शिक्षा की ज्योति जगा रही है। 25 साल पहले नव भारत समाज कल्याण समिति नामक विद्यालय की नींव रखने वाली इस बेटी का सपना था कि गांव का हर बच्चा तालीम हासिल करे, और इस सपने को पूरा करने के लिए वो निकल पड़ी। तो ये बहुत मुरादाबाद का पिछड़ा ब्लॉक था, डिंगरपुर कुनर की। उस वक्त लिटरेसी साक्षरता प्रोग्राम में तो यहाँ पर हम लोगों ने काम शुरू किया, तो लोगों ने कहा कि दूर दूर तक कहीं कोई स्कूल नहीं है, आप बड़े लोगों के पढ़ने की बात करते हैं, लेकिन जब तक आप हमारे बच्चों को नहीं शिक्षा देंगे तब तक हम लोग नहीं पढ़ेंगे। एक पेड़ के नीचे 8 बच्चों को पहले दिन मेरे शौहर और हमने पढ़ाना शुरू किया। गांव के हर गरीब और पिछड़े घर के बच्चे को स्कूल का रास्ता दिखाया, बिना किसी फीस के दाखिला दिया। बात आसपास के गांवों तक पहुंची तो जिले के 15 गांव इस स्कूल के साथ जुड़े। जिन्होंने कभी स्कूल जाने की कल्पना तक नहीं की थी, जिनके पास यूनिफॉर्म का पैसा तक नहीं था, आज उनकी बेटियां बड़े संस्थानों में उच्च स्तर पर काम कर रही हैं। जिनको हमने कहा खा गा गा स्लेट पे लिख के हाथ पकड़ के उनको लिखना और पढ़ना सिखाया, वो हजारों बच्चों को एजुकेशन का काम कर रही है, शिक्षा दे रही है। और जहाँ जब शादी होके जाती है तो वहाँ एक और उनकी समस्या कम हुई कि जब वो पढ़ी लिखी हैं तो जब गांव में जहेज की बात आती है तो वो बोलते हैं भाई हमारी लड़की तो पढ़ी हुई है, हम इतना जहेज नहीं देंगे, हमने अपनी लड़की को पढ़ाया। एक मुस्लिम परिवार की बेटी ने उत्तर प्रदेश जैसे सामाजिक परिवेश में ये सब कुछ मुमकिन कर दिखाया, तो इसलिए क्योंकि बचपन में माँ ने पढ़ने की ललक पैदा की और शादी के बाद पति ने उस ख्वाहिश को आगे बढ़ाया। घर से निकलना तो लड़कियों का बड़ा मुश्किल था। आज से 30-35 साल पहले की बचपन की बात करूँ मैं, मेरी भी तालीम 7वां पढ़ने के बाद रोक दी गई थी। फिर मैंने घर में हाई स्कूल और इंटर और बीए जो है ग्रेजुएशन फिर मैंने बाद में किया है घर में रह के और शादी के बाद। सारा काम करके तब आप स्कूल जाएंगे। 25 साल पहले जिले में शिक्षा की जो नींव रखी थी रिहाना ने, आज 50 साल की उम्र में वो कल्प वृक्ष का रूप ले चुकी है, जिसकी शाखाएं जहां पड़ी वहीं शिक्षा के मंदिर खुले। ये देश का स्वाभिमान है और हमें इन पर अभिमान है। घर को संवारने वाली बेटियां बड़ी शिद्दत से समाज और देश को आगे बढ़ाने का काम भी कर सकती हैं, बस जरूरत उन पर भरोसा करने की है। रेहाना के पति ने भरोसा किया, तो कल हम आपको मिलवाएंगे राजस्थान की एक बेटी से जिसकी मां ने 2.5 साल की उम्र में आगे बढ़ाया तो आज वो इंटरनेशनल स्टार बन चुकी है। बस आप देखते रहिए आपके बरस मोहे बिटिया ही देखिए।